हे दोस्तों, कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख ले, हमारा मोटिवेशन और एक्साइटमेंट लेवल एक टाइम आने के बाद खत्म हो ही जाता है और एंड में हम फिर सब कुछ वैसे ही करने लगते हैं जैसा नॉर्मली हमारी हमेशा की आदत होती है। लोग ज्यादातर अपनी आदतों से मजबूर होते हैं और उसके हिसाब से ही काम करते हैं, चाहे कोई कितना भी समझा ले। एक्चुअली इंसान बने ही ऐसे है कि हमारे लिए हमारी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल होता है। पर ये याद रखे, आपकी सही आदत ही आपकी सक्सेस और फेलियर के बीच का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगी। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी हैबिट्स हमें अपने अंदर डेवलप या चेंज करनी चाहिए। आज मैं आपको 7 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो आपको इफेक्टिव बनाएगी। सो लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। एक रेस्टोरेंट में एक औरत के ऊपर कॉकरोच आके बैठ जाता है। वो एकदम डर जाती है, पैनिक होके चिल्लाने लगती है और उछल उछल के अपने दोनों हाथों से उसे दूर फेंक देने की कोशिश करती है। इतने में उस औरत के हाथ लगने से कॉकरोच उड़कर एक दूसरी औरत पर आकर गिर जाता है और फिर वो भी पैनिक होकर सेम पहली वाली औरत जैसा बिहेव करने लगती है। ये देखकर पास में खड़ा एक वेटर उनकी मदद करने जाता है। इधर उधर फेंकने में कॉकरोच अब वेटर के ऊपर आके बैठ जाता है, बट वेटर चिल्लाने और पैनिक होने के बजाय सीधा खड़ा होता है, कॉकरोच के अपने शर्ट पर चलने को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और जब उसे कॉन्फिडेंट फील होता है तब फौरन वो कॉकरोच को अपनी उंगली से पकड़ लेता है और रेस्टोरेंट के बाहर फेंक देता है। ये स्टोरी को हम ऑथर के प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ वेटर एक प्रोएक्टिव इंसान था जिसने उन औरतों की तरह सिचुएशन पर रिएक्ट करने के बजाय सोच के सोल्यूशन निकाला और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एक्शन लिया। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव होने में बहुत डिफरेंस है। रिएक्टिव लोग हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। उनका देश तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, वो तरक्की नहीं कर रहे क्योंकि उनका बॉस अच्छा नहीं है, वो खुश नहीं है क्योंकि लोग अच्छे नहीं है, और अगर कुछ ना मिले तो वो अपनी किस्मत को ही ब्लेम करने लगते हैं। उन्हें लगता है चीजें कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं है, सब हालात और किस्मत का खेल है, सारी प्रॉब्लम्स बाहर से आ रही है, पर एक्चुअली में उनकी ये सोच ही सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है। वो यूजुअली ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं जैसे, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं, मैं बचपन से ही ऐसा हूं, वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। जबकि प्रोएक्टिव लोग अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल दूसरों को देने के बजाय खुद संभालते हैं। वो अपने हर एक्शंस की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेते हैं। हालात और किस्मत को ब्लेम करने के बजाय सिचुएशन को वो खुद कैसे बेटर कर सकते हैं इस बारे में सोचते हैं और एक्शन लेके उसे सही भी करते हैं। आप हमेशा उन चीजों पर फोकस करो जो आप चेंज कर सकते हो, ना कि उन चीजों पर जो आप चेंज नहीं कर सकते। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये हैबिट मेरे हाउ टू बी पावरफुल वीडियो में बताए एक लॉ से सिमिलर है, जिसमें मैंने हमेशा एंड गोल को याद रखकर स्टेप्स लेने कहा था। अभी के लिए इमेजिन करें आप एक फ्यूनरल में गए हो, पर ये बाकी फ्यूनरल से बहुत अलग है, बिकॉज जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि कॉफिन में आपकी बॉडी है और वो आपका खुद का फ्यूनरल है। उस टाइम आप अपने आप के लिए क्या क्या बोलना चाहोगे? ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल क्वेश्चन है। क्या आप वो सारी चीजें अभी कर रहे हैं जो आप अपने आप को देखकर तब बोलना पसंद करोगे? एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो आप बोल सको कि हाँ मैं एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, तो क्या आप अभी एक बहुत अच्छे दोस्त जैसा बिहेव कर रहे हो? अगर आप ऐसे इंसान की तरह याद रहना चाहते हैं जिसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया और सबकी बहुत मदद की, तो क्या आप अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसे आप श्योरली ये कह सकोगे? मैं चाहता हूं आप अपने आप से पूछो कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको मरने से पहले कैसे भी अचीव करनी ही है, बोथ पर्सनली और प्रोफेशनली, और फिर जितना जल्दी हो सके उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दें। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हमें जो काम सबसे जरूरी है वो काम सबसे पहले करना चाहिए। अभी आदत बोलने को बहुत सिंपल है, पर सबसे मुश्किल भी यही है। कुछ साल पहले की बात है, मैं अपने दोस्त के साथ एक दिन कॉलेज से घर जा रहा था। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि आजकल वो बहुत बिजी है और उसे जिम जाने का भी टाइम नहीं मिल रहा, जबकि उसे बॉडी बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। थोड़े टाइम बाद रास्ते में हमने देखा एक जगह भीड़ जमा हुई थी, वहां कुछ आदमी लड़ रहे थे। मेरा दोस्त वहां रुक गया और मुझे भी साथ रुका लिया। फिर हमने वहां रुक के पूरी लड़ाई एंजॉय की। सब खत्म होने के बाद मैंने उससे कहा, ये सब देखने से अच्छा घर जल्दी जाके तू जिम चला जाता। उसने हंस के कहा, छोड़ना यार, जाने दे। हाँ, मुझे पता है जितनी देर हम वहां खड़े थे उतने टाइम में शायद पूरी जिम नहीं हो जाती, पर यह भी सच है कि मोस्टली हमें जितना लगता है हम उतने बिजी होते नहीं। ऐसा कितनी बार होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट होकर अपने फेसबुक फीड्स बेवजह स्क्रॉल करने लगते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस या टीवी देख के टाइम पास करने लगते हैं, और कुछ नहीं तो बस बेवजह की बातें सोचने लगते हैं, जबकि हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम खत्म करने बाकी होते हैं। ये सबसे कॉमन आदतों में से एक है जो हमारा बहुत सा इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करती है और हमें कभी एक एवरेज इंसान से ऊपर बढ़ने नहीं देती। सो अगर आपको कुछ करना है लाइफ में,
तो हर रोज वो काम सबसे पहले खत्म करो जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करेगा। उसके बाद बचे दूसरे कामों को प्रायोरिटीज दो। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। मान लो मेरा और आपका एक एक यूट्यूब पे प्रैंक चैनल है और दोनों के पास 1000-1000 सब्सक्राइबर्स है। अब मुझे आपके चैनल के बारे में किसी से पता चलता है और मैं आपके वीडियोस देखता हूँ। मुझे आपके वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, सो मैं आपको मेरे चैनल पर इनवाइट करता हूँ और अपने व्यूअर्स को आपके चैनल के लिए रिकमेंड करता हूँ, जिससे मेरे सब्सक्राइबर्स आपके चैनल के भी सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं। और फिर सिमिलरली आप भी मुझे अपने चैनल के लिए बुलाते हो, जिससे आपके व्यूअर्स मेरे चैनल के भी सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं। इसे कहते हैं एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, जिसमें दोनों साइड का फायदा निकले, ना कि बस किसी एक का। अच्छा, अगर मैं ये सब करने के बजाय आपसे जेलस होके, क्योंकि आप मेरे कॉम्पिटिटर हो, एक फेक आईडी बनाता, आपके सारे वीडियोस डिसलाइक करता और बुरे बुरे कमेंट्स डालता, ये सोच के कि इससे आपका कुछ नुकसान होगा और इनडायरेक्टली मेरा फायदा होगा, तो क्या आपको लगता है मेरा सच में कुछ फायदा होता? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, बिकॉज मैं यहाँ एक विन लूज सिचुएशन क्रिएट करने का ट्राई कर रहा होता, जिससे हार्डली कभी कुछ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। एक्चुअली हमारी मेंटालिटी ही कुछ ऐसी बनी है दैट हमें लगता है हमारे जीतने के लिए किसी और का हारना जरूरी है, या फिर अगर उसे मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा, जिसे स्कैर्सिटी मेंटालिटी कहते हैं। हमें ये मेंटालिटी दिमाग से निकाल के ऐसा सोचना चाहिए कि हर इंसान के लिए बहुत कुछ है यहाँ, जो कि अबंडेंस मेंटालिटी होती है। सो अब से कोई भी सिचुएशन में किसी से भी डील करते वक्त एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की ही कोशिश करो, जिससे सबका फायदा हो। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। समझो एक दिन आप चश्मे वाले के पास जाते हो और उसको बताते हो कि दो दिन से आपको बराबर दिख रहा नहीं है। ये सुन के चश्मा वाला फौरन अपना पहना हुआ चश्मा निकाल के आपको दे देता है और बोलता है, लो इसे ट्राई करो, ये मेरे लिए काफी सालों से अच्छे से काम कर रहे हैं। सो आप वो चश्मा पहनते हो पर आपको और खराब दिखने लगता है। अब ऐसा होने के बाद कितने चांसेस है कि आप उस चश्मे वाले के पास वापस जाओगे? शायद ही कभी। पर एक्चुअली में हम भी थोड़े बहुत इस चश्मे वाले जैसे ही हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं तब उनके प्रॉब्लम्स को डायग्नोस या अच्छे से समझने से पहले ही उन्हें सोल्यूशन देना या लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये इजीली बोल देते हैं कि कोई हमारी फीलिंग्स नहीं समझता, पर खुद भी रेयरली कभी सामने वाले की फीलिंग्स समझने की कोशिश करते हैं। सोचते भी है तो इस बात को कि सामने वाले ने क्या कहा और वो ऐसा कैसे कह सकता है, जबकि मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों कहा और उसकी फीलिंग्स क्या थी वो बोलते टाइम। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से बात करें तो उनकी बात बस रिप्लाई देने के इंटेंट से ना सुने, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करें, और सबसे इम्पोर्टेंट, सामने वाले को ऐसा फील होने दे कि आप सच में समझते हो उनकी फीलिंग्स। जब आप ऐसा जेन्युइनली करना स्टार्ट कर दोगे तो लोग आपको भी समझना स्टार्ट कर देंगे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। अगर आप दो प्लांट्स को साथ में लगाते हो तो उनकी जड़ साथ में मिलकर मिट्टी की क्वालिटी बढ़ाती है, जिससे दोनों प्लांट की ग्रोथ बेटर होती है उन दो प्लांट्स के कंपेयर में जो कि अलग अलग जगह लगाए गए हो। सिनर्जी की हैबिट हमें हमेशा मिलके एज अ टीम काम करने के लिए एनकरेज करती है। एग्जाम्पल, दो आदमी एक पेड़ से कुछ सेब तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर काफी ट्राई करने के बाद भी दोनों उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि सेब थोड़े ऊपर थे। फिर दोनों ने सोच के डिसाइड किया कि एक आदमी दूसरे के कंधे पर चढ़कर सारे सेब तोड़ लेगा, और उन्होंने ऐसा करके सारे सेब तोड़ लिए। इस एग्जाम्पल की तरह जब हम लोगों के साथ सिनर्जाइज करते हैं तब हम हमारी कैपेबिलिटीज को डबल, ट्रिपल और जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें हमारे गोल्स को पूरा करने में काफी आसानी हो जाएगी। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। एक आदमी बहुत देर से एक पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम थक चुका था पर उसे पेड़ कट ही नहीं रहा था। पास ही एक लकड़हारे ने यह देखा तो वो उसके पास गया और उसे सलाह दी कि उसे पहले अपनी आरी तेज कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर वो आदमी ने उसे कहा, पर यह करने में तो टाइम जाएगा। अभी शायद आपको ये जवाब स्टूपिड लगे, पर हम भी यूजुअली ऐसा ही करते हैं। हम एक्सरसाइज के लिए दिन के 30 मिनट नहीं निकाल सकते ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, 15 मिनट कोई बुक नहीं पढ़ सकते ताकि हमारी नॉलेज बढ़े, और फिर हम कंप्लेन भी करते हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी क्यों नहीं है। हैबिट नंबर 7, अपने आप को हमेशा बेहतर बनाने पर फोकस करती है। अपने टाइम का सबसे अच्छा यूज हमें खुद को इस चार एरिया में बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। ये हैबिट बाकी 6 हैबिट को सराउंड करती है और हमें उन सबको फॉलो करना पॉसिबल कराती है, हमारे सबसे कीमती एसेट को बेहतर बना के, जो कि हम खुद हैं। ये कॉन्सेप्ट्स मैंने अगेन वन ऑफ माय फेवरेट बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में से बताई है। लाइक करें अगर आपको ये हैबिट्स अच्छे लगे, अपने व्यूज कमेंट करें, शेयर करें ताकि सब ये नॉलेज का फायदा उठा सके, एंड सब्सक्राइब।